मैं भी एक YouTube चैनल बनाता। YouTube चैनल तो बन गया, मैं YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैंने ये नहीं सोच देखा कि मेरे पास कौन सा मोबाइल है, बस मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर, तब मैं अपनी वीडियोस मोबाइल पे एडिट करता था क्राइम मास्टर से, और मोबाइल पे अपलोड करते थे, ना मुझे टाइटल का पता था, ना थंबनेल, ना डिस्क्रिप्शन। तो बाद में मुझे पता चला जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं बार बार रिफ्रेश करता था, देखता था किसी ने सब्सक्राइब किया, व्यूज़ आए नहीं आए, लेकिन मैंने व्यूज़ नहीं आए, मैं डिमोटिवेट होकर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो एक दो सब्सक्राइबर्स आए हुए थे और एक दो व्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने लिंक शेयर किया, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े और मैंने और वीडियोज़ बनाई। एक दिन हुआ ये कि यूट्यूब की वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने उसके फ्रंट कैमरा से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी वीडियोस की क्वालिटी और अच्छी करने के लिए नॉन 10+ से वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और उनको लैपटॉप पर पॉप करके एडिट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मैं वीडियोस बनाता गया, फिर मैंने खरीद लिया टेक्नोस्पार्क को। तो अभी तक मैं टेक्नोस्पार्क को से अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाता हूं और इम्पोर्ट करके फाइल्स लैपटॉप में एडिट करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को अपनी यूट्यूब जर्नी बताई, क्या मैं यूज़ करता था, कौन सा मोबाइल यूज़ करता था, मैंने किस तरह अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए और मैंने अपनी वीडियोज़ किस तरह शूट की। तो अगर आप लोगों को एक शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेले बंदे ने शूट किया, मैंने खुद शूट किया, मैंने खुद एडिट किया, वॉइस ऑवर भी मैंने खुद किया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।